मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और सुबह सुबह हम अपना खाना बना रही हैं, मतलब हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हैं। उसके बाद अभी हम सब नहा चुके हैं, पंडित जी आएंगे फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद पूजा स्टार्ट होगी। बस पंडित जी आने वाले, मैं घर का खाना बना के फ्री हो जाऊंगी ना, ड्यूटी जाएंगे, इसलिए जो मैं पहले खाना बना देती हूँ, पूजा पे बैठना पड़ता है ना काफी देर। हाँ, तो अब मम्मा बना के रख देगी फिर पूजा करके, फिर पापा खा के चले जाएंगे ऑफिस, और उसके बाद मिलते हैं जब पंडित जी आएंगे। अब मम्मा सब्जी बना रही हैं, क्या बना रही हूँ? आलू की सब्जी बनाऊंगी। हाँ, तो ये अब पंडित जी के लिए सब्जी बन रही है, और उसके बाद मम्मा खाना बनाएंगी। अभी छील रही है मम्मा सब्जी, अभी आटा वगैरह बना के रख दूंगी। हाँ, सब्जी बना के आटा वाटा गूंथ के और रायता बना के रख दूंगी, और जब पंडित जी बोलेंगे तब खाना सेक दूंगी। सब्जी बनाने लगी हैं, और अभी बर्तन भी पड़े हुए हैं ऐसे, वो भी साफ करने हैं। और पंडित जी अभी तक नहीं आए क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लेट आएंगे वो, उन्होंने बोला था। और अभी पापा अभी बाहर जा रहे हैं किसी काम से, कुछ दो दिन और है जब बहुत बिजी रहने वाले हैं हम लोग। बन गई है बहुत ही गंदगी निकलती है इसमें हरे धनिये में, और मैं थोड़ा सा ना नींबू का रस डाल दूंगी। अरबी में नींबू का रस बहुत अच्छा लगता है, या फिर अमचूर पाउडर हो या नींबू का रस हो, उससे टेस्ट भी बढ़ जाता है, और इसमें जो है जो खिचाव सा होता है ना चिपकन सी, वो भी खत्म हो गया। और मैं रायता भी खा के, रायता भी रेडी है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः गोघा विश्ववेदाः, गन्धद्वारं दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्णमीश्वरीं सर्वभूतानां दामिहोपवये श्रियं वेचन्दनं खण्डनं दिव्यं घण्टाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनेशोम राजा विद्वान् विच्छवादामुचयतौ सीताचन्द्रैर्महाशरद्दाभिः अच्छे से तो लगाओ। इतना सारा है, नमो ब्रह्मण्य देवाय, चावल कृष्णाय, गोविंदाय नमः। बना रही हूँ दोबारा, सुबह वाली पूजा हो चुकी है, अब दोबारा से टी ब्रेक होगा, उसके बाद फिर दोबारा से पूजा होगी, मतलब कैप ले लेकर पूजा हो रही है। चाय दे आती हूँ उनको जाकर। फीकी वाली धर है। हमारे पंडित जी फीकी चाय पीते हैं, याद रखना दोस्तों सब। खाना बना रही हैं क्योंकि अब तीन बज रहे हैं, पौने तीन बज रहे हैं, और पूजा तो संपन्न हो चुकी है आज वाली, तो अब खाना लगाएंगी पंडित जी के लिए। तो मम्मा रोटियां बना रही हैं, प्लेट लग गई है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। खाना लगा दिया है मम्मा ने, अरबी की सब्जी है आपको पता ही है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बनी थी, तो अब मम्मा लेके जा रही हैं और मैं ये लेके जाती हूँ, फिर उसके बाद पानी बाद में रख कर आऊँगी। छोटे घरों का हाल है ये हमारा। और मैं कुछ शॉपिंग करके लाई हूँ, और मैं वो कुछ शॉपिंग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, दिखा रही हूँ मैं आपको मैं क्या क्या लेके आई बाजार से। लेके आई हूँ ये कपड़े, लेके आई हूँ मैं अपने नंदोई के लिए, यानी जीजाजी के लिए हैं ये पांचों कपड़े हैं, इसके अंदर बलियान रुमाल और तौलिया, और ये कपड़े जीजाजी के लिए एक जोड़े, और एक जोड़ा ये है, जो भी पांचों कपड़े हैं ये भी जीजाजी के लिए हैं, तो ये दो जोड़े तो जीजाजी के लिए कपड़े हैं, और ये हैं दो जोड़े, एक जोड़ी ये है, ये साड़ी है दीदी के लिए यानी हमारी ननद के लिए, और ये एक ये साड़ी है, ये भी पांचों कपड़े हैं, पेटीकोट अंदर लगा हुआ है इसमें, दिखा देती हूँ पेटीकोट, ये देखते हैं दिखा देती हूँ, ये पेटीकोट लगा हुआ है पीछे से, और एक साड़ी ये है, इसमें भी पेटीकोट है पीछे से,
लगा हुआ, मतलब सारे कपड़े हैं, पांचों कपड़े होते हैं बोलते हैं जैसे, वो है सारे। ये दो जोड़े हमारी ननद के लिए हैं, दीदी के लिए, और एक और मैं दिखाना चाहती हूँ स्पेशल गिफ्ट। सीधे सीधे खोलना है। ये गिफ्ट है हमारी ननद के लिए, ये अंगूठी। और बताना दोस्तों कि ये अंगूठी कैसी लग रही है। ये मैं उनको दूंगी। और एक है ये, ये नाक का फूल है, अच्छा लग रहा है ये। हाँ सुंदर है, मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा था ये। तो मैं ये दोनों चीज अपनी दीदी के लिए दे दूंगी, ननद के लिए विदाई में। विदाई में मैं कपड़े लाई हूँ, अपने दो पंडित जी हैं हमारे जो हैं, दोनों पूजा करते हैं, और मैं अपने पंडित जी के लिए लाई हूँ पांचों कपड़े। एक पंडित जी के लिए ये हैं बनियान सहित, रुमाल सहित, और ये तौलिया है उनका, पांचों कपड़े एक पंडित जी के, और दूसरे पंडित जी के ये पांचों कपड़े, और बहुत सारे पंडितों के, काफ़ी सारे पंडितों के लिए ये जो है, सबके लिए एक तौलिया है ये, और बाकी पंडितों के लिए ये काफ़ी सारे तौलिया हैं, मैं सबके लिए एक तौलिया दे दूँगी। और ये मेरी छोटी सी शॉपिंग आपने देखी है, और कैसी लगी बताना कमेंट करके। और मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, रात के 10 बज चुके हैं, और सुबह से जो है काम करते करते हालत ख़राब हो रखी है, बिल्कुल थक गई हूँ मैं। और गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, एंड शुभ रात्रि।